एक बार पिछों भी देख लो, ये टाइम चल रहा लॉकडाउन का, तो असं 24 घंटे अपने घर ही होंगे, असं हमेशा पग बन के या कन्न ढक के असं परना नहीं बन सकते। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने चैनल स्टाइलिश सिख ते। अज तुसीं देखोगे कि यह जिहड़ा मैं परना बनिया होया गोल परना, कन्न तो उत्ते असीं बनिया, कन्न दे उत्ते नहीं बनिया, कन्न तो उत्ते है। इहदे विच तुसीं ईयरफोन भी ला सकते हो, चश्मा भी आराम नाल पा सकते हो, तो तुहाडे कन्न भी नहीं दुखणगे। तो तुसीं देखो कि किवें बनिया जांदा है। हुण देखो मेरा इंट्रो, तो उस तों बाद देखो मेरी वीडियो। कंघी तुसी लकड़ दी लिया करो, क्योंकि वह वालों के जड़ां वास्ते बहुत वधिया होंदी है। दो कु वार घुमा के इन्ना कु तुसी गोल कर लेना, तो जिन्हां ते ज़्यादा भारे आ उन्हां नूं ज़्यादा गोल करना पैना, क्योंकि परने दे विच खुल जांदा, पग दे विच असी खिलार के रखते हैं, इत्थे खुल जांदा, इस करके इन्ना कु जूड़ा करके उस तों बाद इत्थों दी थोड़ा खिलार के वालों असी पिछे ला जाएंगे। पिछे ले जाके गोल घुमाता थले करते। ये वीडियो चश्मे लाने वाले वास्ते ते ईयरफोन्स लाने वाले वास्ते बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि असी फोन दे विच वीडियोज़ देखते हैं, अजकल होर साडे कोल है कि ईयरफोन्स लगा के असी देखते हैं, तो उहदे विच तुहानू बहुत हेल्प मिलेगी। इस परने की चौड़ाई जिहड़ी हैगी है वह एक जिहड़ी पग की होंदी है 1 मीटर, उहदी अद्धी कीती हुई है, मतलब कि अद्धा मीटर इहदी चौड़ाई है। तो कपड़ा जिहड़ा इहदे विच असी लिता वह हैगा F74, क्योंकि वह काफ़ी पतला कपड़ा होंदा, तो वट पाने उहदे विच काफ़ी ईजी हो जाते हैं। तो जे तुहाडे घर दे विच F74 कपड़ा नहीं हैगा, जो कि मैं मानता कि नहीं होएगा क्योंकि लॉकडाउन है, तुसीं लिया भी नहीं सकते, तो तुसीं फुल वॉयल कपड़े का भी बना सकते हो। कोई पुरानी तुहाडी पग पई होएगी, उहनूं तुसीं विचों अद्धा फाड़ के ते तुसीं उस पग का परना बना सकते हो, ते लेंथ तुसीं अपने अकॉर्डिंग रख के उहनूं कट सकते हो, क्योंकि इहदे विच पता तो लगना नहीं कि असीं किन्ने लड़ बन्ने, सारे वट्टां दे विच आ जाणे। हुण परना बनन लगे, जिहड़ा प्लेन वाला पासा है इहनूं असीं रखांगे थल्ले धोण वाले पासे। उस तो पहले इदा फड़ के असी खिंच लाँगे इनू, ये जड़ा कोना है प्लेन वाले पासे आ रहा जड़ा, तो उत्तों ओपोजिट दूरों की उत्तों ओपोजिट ये इदा है, इतों मैं फड़ लिया, ये फटिया वाला पासा है, ये दोनों फड़ के इदा खिंच देना। खिंचा तो की होएगा, ये वाला जड़ा पासा है जड़ा साढ़े इतने आना अंदर, जिन्हों अंदर करा वो थोड़ा जहा पिछे खिसक जाएगा, जोड़ा लंबा जहा होया इदा धोण से रख के थले मैं धोण धोण से जोड़ा रख्या वो हैगा साडा प्लेन वाला पासा। तो हुण इहनूं कंध उत्ते कर देंगे, ये जिहड़ी किनारी है इहनूं पा देंगे असी अपने जूड़े दे विच, इदां जूड़े दे विच पाती पिछे तक लै जाणी है। उस तों बाद इत्थे इदां करके एक जिद्दां भंगड़े दा असी स्टैप बनाने आ, उदां इहनूं इत्थे इकट्ठा कर लाँगे। फिर हुण जिहड़ा इह हैगा इहदा असी की करना, थोड़ा जिहा इत्थों दी इदां पिछे खिंच के इहनूं इत्थे पिछे लिजा के इतों की इदा ये पाई जाना, तो ध्यान न देखो ये फिर इतों की इदा इदा यह कपड़ा, मतलब यह जोड़ा है जुड़े के पाई जाना जब तक कि यह अगे नहीं आ जाता, तो यह पिछे वाला पिछे नहीं चल जाता। हमने हो गया, हूँ इतों असी फड़ना इनू, इनू असी इतने पग के सॉरी परने के इतने फसा देंगे। फिर ये वाला पासा कंध उत्ते लिया के इतने हाथ इस करके रखे मैं, ताकि इतों हूँ जो मैं खिंचता पाया, जो परना आप टाइट बनना इतों खिंचता पाया, तो ये वाली साइड खिंची जा रही है पिछे नूं, तो इतने हाथ रखना ताकि ये खिंचया ना जाए। इतों की थोड़ा जिदा इस उंगल नाल थोड़ा थले करके, तो फिर ये अगे लियावांगे हौली हौली, ये हाथ कढ़ी जाना विचों, ये जिहड़ा लैफ्ट हैंड है मेरा। हुण इतों की मत्थे तो शेप बनावांगे, जिन्ना कुचा परना सानूं चाहिए, कन्न दे उत्ते लिया के ये साडा पहला लड़ आ गया। ये परना बन के असी जिम भी जा सकते हैं, क्योंकि असी ईयरफोन भी लाने होंगे। उस तो बाद फिर पिछे उदा ही रहेगा जिदा इतों की गया, फटिया वाला पासा सीगा जिहड़ा उत्ते, तो जिहड़ा प्लेन वाला पासा सी थले, हुण भी इदा ही रहेगा, ये फटिया वाला पासा जिथों असी पग फाड़ी सी, ये देखो, तो मेरे हाथ दे विच इत्थे प्लेन वाला पासा। हुण इत्थे एक होर चीज़ असी करांगे, इत्थे इदा आया सीगा, इतों इनू फोल्ड करके तो डबल कर देंगे। डबल इस करके करना है क्योंकि इतने कन्न के उत्ते सानू पतला कपड़ा नहीं चाहिए, जिदे नाल कि साडा इतों की कन्न छिलिया जाए,
क्योंकि ये जी पक्की किनारी है, ये जो प्लेन वाला पास है, ये कन्न इतों की छिल सकता है, इस करके इन इतों की इदा फोल्ड कर देंगे, ये अगे तक इतों फोल्ड कर देनी है, फोल्ड करके इतने फड़ लिया, ये देखो डबल कर लिया। हूँ ये वाला पासा थोड़ा जहा सॉफ्ट होंगे इस करके ये कन्न नहीं छिलेगा। हूँ असी करना की है, इदा लिया के वट पाउण वास्ते, जे तो तुसी प्लेन प्लेन बनना फिर तो इदा सीधा भी इदा इनू इदा तह ला के फिर बन सकते हो, लेकिन असी हुण ये बनना वट पा के। हुण करना की असी इत्थों दी डबल करता, डबल करके हुण ये सारा जिहड़ा कपड़ा है ये सारा ये असी इत्थे इदा इहदे विच फसाउणा है। हुण इह ते अनटाइटी जिहा फसिया है, असी इहनू बिल्कुल सही तरीके नाल फसावांगे। इत्थे इदा ये हाथ इदा पा के, एक हाथ इत्थे है आ देखो इहदे विच मैं पाया, इत्थों दी इदा करांगे असी इदा इस तरीके नाल अगे खिंच के ते थल्ले, फिर थोड़ा जिहा उत्तों दी कपड़ा लैना अगे खिंचना ते थल्ले, इहदे विच मतलब कि इहदे विच फसाई जाणा, ये वट बनी जा रहे है। ये थोड़ा जिहा उत्तों फड़िया अगे कीता थल्ले, थोड़ा उत्तों फड़िया अगे कीता ते थल्ले। हुण इह जिहड़ा फटिया वाला पासा है इहनू असीं इदां ही नहीं फसा देना, इहनू इदां अंदर करके जिदा थल्ले वाले प्लेन वाले पासे नूं असीं डबल कीता सी उदां ही इहनू करना। ये हो गया, पिछे असीं छोटा जिहा पिंच ला लैणा, फिर जिहड़ा असीं इत्थों दी इहदे विच फसिया होया साडा कपड़ा उहनूं इदां पिछे लै जाणा, इत्थों दी कंध दे उत्ते लिया के थोड़ा जिहा इत्थों दी उत्ते खिलार के, थोड़े जिहे वट जे नहीं पए ते पा भी देने, इहनूं इत्थे दे विच पा देणा। देखो इह जिहना साडा इत्थों दी उत्ते उठदा पिया इहनूं इधर अंदर पा देंगे, इत्थों दी वी इदां अंदर कर देणा। अगे तक असी लै जाएंगे, इत्थे भी इदा इस तरीके नाल, ये देखो ये अगे इतों की इदा इदा डबल सीगा, डबल फड़ के तो इदा तुसी इदा करी जाना, ये फसाई जा रहा मैं, तुसी देखो किदा फसा रहा, इदा फसाता हाथ रख लेना, ये फिर फड़ लेना खब्बे पासे लैफ्ट वाले हैंड नाल, तो राइट साइड नाल तुसी अपना इतों की परना सैट करना। कितों मोटा कितों पतला नहीं होना चाहिए, जिदा इस पासे हो उदा ही तुसी इस पासे लिया। जे इतों उत्तों दी मोटा है तो तुसी इतों भी उत्ते मोटा रखना, जे इतों थले मोटा है तो तुसी इतों थले मोटा रखना। हुण इस तरीके नाल ताहीं तां साडी शेप दी वधिया आएगी। थोड़ा जिहा सैट कर लेना, फिर पिछे नूं घुमा देना, घुमा के फिर उही स्टैप प्लेन वाला पासा थले ये दे विच इदा फसा देना, असी इहनू इदा बनावांगे, इदा कोई भंगड़े वाला स्टैप इदा करके, ते इहदे विच थोड़ा जिहा अगे कीता ते थले अगे कीता थले। स्टार्टिंग दे विच तुहाडे कोल ये सही तरह वट नहीं पैणगे क्योंकि तुहाडी प्रैक्टिस घट होएगी, हौली हौली लेकिन यह वधिया हो जाएगा बड़े आसानी नाल। तुसी फिर ये रोज़ बनने वाला परना हैगा, घर असी रोज़ आराम नाल बन के बह सकते हैं क्योंकि ये ईयरफोन चश्मा लाने जो असी तो कोई ये प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि कान साढ़े नंगे होंगे है टके नहीं होंगे। फिर उस तरीके इतों देख लेना कि केड़ा वाला वट हैगा, इतने लिया के इस तरीके जे तुसी इतों की इदा अगे नू शेप जी आती इतों इदा अगे निकलती शेप उन्हू क्ढण वास्ते असी इतने हाथ रखना, तो इनू थोड़ा जा इदा थले हल्का जहाँ बिठा के रखेंगे, जो बिठावे तो यह देखो हल्की जी शेप आ गई, वो असी हजे नहीं देनी एंड दे विच दवांगे। तुसी अपने अकॉर्डिंग इनू रख सकते हो लेंथ दी फेस दे अकॉर्डिंग, वैसे होंदा तुसी टाइट भी बन सकते हो ढिला भी बन सकते हो, ढिला बनोगे तो ताड़ी थोड़ी वड्डी शेप आएगी, टाइट बनोगे तो थोड़ी जी तुहाडा छोटा जिदा जिहड़ी छोटी शेप हुंदी है तुहाडा छोटा छोटा जिहा परना आएगा। इस लड़ दे विच फिर उस तरीके नाल कीता, मैं समझाया नहीं क्योंकि पहले समझा चुकिया सी, ये सैकेंड लास्ट लड़ है तो हुण इहदे विच की करांगे, इत्थे जिहड़ी मैं तुहानूं हुणे दस रिहा सीगा कि इत्थे चुंझ जी थोड़ी जी निकलदी है वह बनावांगे, इत्थे इस तरीके नाल इत्थे इकट्ठा कर लैना, इकट्ठा इकट्ठा करके कपड़ा तो इहनूं थोड़ा जिहा थले इत्थे रखना, ज़्यादा उत्ते नहीं जाण देना, जिन्ना परना तुहाडा इत्थों दी उच्चा रहेगा उन्ना ही इस पासे उच्चा रहेगा।
ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਲੜ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਵੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੱਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਿਆ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਖਿੱਚਿਆ ਥੱਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਚ ਲਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਪਰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੜ ਬਚਦਾ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੇਪ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ, ਈਅਰਫੋਨ ਕੁਛ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਚਸ਼ਮਾ ਜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੰਨ ਵੀ ਦੁਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਨੇ ਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਲੜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੜ ਅਸੀਂ ਬੰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 360 ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।